गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों जो है एक बिहार में बहुत बड़ा ही अपडेट आया है, एक रिक्वायरमेंट आया है, वो जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का है। इसमें जो है इसका वेबसाइट जो है www.bpsa.bihar.nis पर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो है रिक्वायरमेंट स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है दोस्तों। और जो है इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या क्या एज है, एज लिमिटेशन क्या है, इसमें कितना रिलैक्सन एज में रिलैक्सेशन मिलेगी और क्या क्वालिफिकेशन, ये सब दोस्तों आपसे बात करेंगे। और जो है आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैं इसी तरह का वीडियो डालते रहता हूँ और हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूँ रिक्वायरमेंट को लेकर, खास करके बिहार में जो रिक्वायरमेंट निकलती है उसका वीडियो अपडेट जो है मैं हमेशा आप लोग से शेयर करता हूं दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं वैकेंसी की ओर। तो ये आज जो है 133 पोस्ट के लिए जो है आज रिक्वायरमेंट निकली है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। और इसमें देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। तो ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 4/3/2012 से, आज 3 तारीख है दोस्तों, कल 4/3/2012 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और जो है लास्ट अंतिम तिथि इसका 30/3/2020 तक है। विज्ञापन संख्या देख रहे हैं 0/2020 बिहार पुलिस गृह विभाग बिहार सरकार में आशु सहायक अवर निरीक्षक यानी कि स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे जो है रिक्वायरमेंट निकला है दोस्तों। इसका पे ग्रेड आप देख रहे हैं, पे ग्रेड जो है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक है इसका वेतनमान। और जो है पदों की संख्या 133 है। और दोस्तों आप देख सकते हैं पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है दोस्तों। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कल 4 तारीख से कीजिएगा, लास्ट डेट 30 तारीख तक। फिर भी बता रहा हूँ किसी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक बार ही ऑनलाइन करना है, अगर द्वारा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होगा, मतलब कि जो है दोनों पत्र जो है दो को लिखित परीक्षा में जो है दो प्रश्न पत्र होगा दोस्तों। आप जो है पहला प्रश्न पत्र OMR टाइप का होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पहला प्रश्न पत्र जो है OMR टाइप का होगा, पहला प्रश्न पत्र OMR टाइप की होगी, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, ठीक है। OMR में आप लोग को एग्ज़ाम होगा है ना, और लिखित प्रतियोगिता है ना, प्रथम प्रश्न 100 अंकों के समान हिंदी 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें कि 8-30 अंक कम से कम आपको प्राप्त करना होगा। आप अगर 30 अंक आप नहीं प्राप्त 30 अंक से आप कम रह जाते हैं तो जो है आप आयोग घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे जो है 30 से 1 लाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ये इतना अंक जो है काफ़ी नहीं है। और जो है समान हिंदी पत्र के लिए परीक्षा के लिए अवधि 1.5 घंटे की होगी। समान हिंदी पत्र का जो है प्राप्त मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, जो हिंदी का प्रश्न पत्र दीजिएगा उसको जो मेधा क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा 200 अंकों के, समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे है ना, देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है कि प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसके लिए परीक्षा का अवधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो 0.2 अंक काटा जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त में 6 आने की, मान ली 133 पोस्ट है तो उसमें 6 से गुना कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है जो पर्याप्त करेंगे, जो आप लाएंगे अंक उससे 6 से गुना करके सफल अभी जो प्राप्त अंकों के आधार पर 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी 133 × 6, सही है बात है दोस्तों, 6 गुना जो है सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, कोटितवार चयन किया जाएगा, जिसकी पात्रता जांच नामांकित वर्णित प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों के प्राप्त संख्या में उपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात में अपयुक्त रूप से कमी की जाएगी। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियां होगी,
प्रतियों होगी, जिसमें एक प्रति आयोग के पास होगा, वह मार्कशीट दो होगा, एक आयोग के पास होगा, ठीक है, उसे सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में सभी सफल अभ्यर्थियों को सूत्र लेखी हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकन की जांच के लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि इसमें जो है आपको क्या एज रिलैक्सेशन है और क्या आपको कितना फी लगेगा और क्या क्या। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है एक और कहा गया है कि आपको जो एमएस ऑफिस जब आप जानते हैं, इसमें कंप्यूटर ज्ञान आपको होना चाहिए, आपको टाइपिंग ज्ञान होना चाहिए, 300 शब्दों में कम से कम टंकित हिंदी और अंग्रेजी में होगा, 30 शब्द जो है प्रति मिनट जो है हिंदी अंग्रेजी में, 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द आपको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, सारा प्रक्रिया पढ़ लीजिएगा। 10% से अधिक गलतियाँ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं इस पर कि देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मूल रूप से हम अब आ जाते हैं कि ये जो है कैसे कैसे होगा। तो आप जो है अगर अनुसूचित जाति और जनजाति आप सभी लोगों के लिए तभी आप ऐसे में आइए जब तक कि आप जो है उसमें जाति प्रमाण पत्र संलग्न कीजिएगा, ठीक है। पहले क्वालिफिकेशन आ जाते हैं, तो आपको जो है 10+2 होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, वो भी 1/1/2020 तक जो है आपको ये पूर्ण हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 1/1 इसके कंप्यूटर संचालन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्ति आपको सर्टिफिकेट भी इतना तारीख के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा तभी आप योग्य माना जाइएगा। डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है, अभ्यर्थियों को भी डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी इतना दिन तक जो इसके अंदर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पुरुष एवं महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम जो है 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष दिया गया है। और पढ़िए दोस्तों, फिर लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग के अत्यंत जो है और जो है महिला के लिए जो देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके व्यू से हो गया कि महिला को इसमें जो है 30% जो है जो 35% जो है आरक्षण मिलेगा। देखिए दोस्तों, और जो है आपको अगर आप जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं SC/ST के सेवा लेने के लिए, तो आपको सेवा नहीं दिया जाएगा। अगर ST/ST का जाति प्रमाण पत्र ST/SC वाले अगर आप जाति प्रमाण पत्र करते हैं तभी आपको छूट दिया जाएगा, वरना आप समान कोटि में चले जाएंगे। तो ये सब पढ़ना है दोस्तों, ये सब पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ मेन सा बात रह गया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। 10th SSC मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2020 को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए, मेल या फीमेल, मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम, जनरल और EWS के लिए 18 साल 25 साल है। और आवेदक यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए दोस्तों, जो आवेदक बिहार राज्य के निवासी नहीं है को जो सामान्य रूप के वर्ग में चयन करना होगा। जो बिहार के जो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे आप, अगर बिहार के निवासी बाहर से आप भरते हैं तो आपको जो है समान में ही आपको दिया जाएगा जो दूसरा राज्य से भरेंगे। और जो है फिर जो है इस तरह देख लीजिएगा अपना, और कुछ नहीं दोस्तों। फिर मैक्सिमम एज है 25 साल, जनरल EWC 3 जनरल और EWS, फिर EBC 27 ईयर्स, इस तरह जो है अपना देख लीजिएगा। तो आशा कर सेटिस्फाई होंगे और आप जो है जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को कल से ऑनलाइन होगा आप लोग भर दें। सो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।